नमस्कार। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शरद पवार की बेटी के घर 10 जनपद पर इस टाइम कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं में बैठक है, वो चल रही है। कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मंथन है, वो इन नेताओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ना ही इस मीटिंग में एनसीपी के नेता शरद पवार मौजूद हैं और ना ही इस मीटिंग के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन किया जा रहा है इन बड़े नेताओं के द्वारा, जो दूसरे कांग्रेस और एनसीपी के नेता है उनके द्वारा कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति है वो कर ली जाए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही कि ये मीटिंग शुरू होने से पहले, ये बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस के जो नेता हैं वो सोनिया गांधी से उनके आवास पर मिलकर आए हैं और सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के साथ गठबंधन पर सोनिया गांधी की तरफ से जो हरी झंडी है वो मिल चुकी है। अब तक एनसीपी के नेता शरद पवार ये बहाना लगाते रहे थे कि हम तो तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस ही देरी करवा रही है और इस बात को लेकर के अब कांग्रेस ने भी अपना कदम है वो आगे बढ़ा लिया है और हरी झंडी निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने नेताओं को दे दी है कि हम शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो तय किया जाए। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर के अनुसार मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो कांग्रेस ने शुरुआत की है इसकी, जिस तरह से बोला जा सकता है कि शिवसेना के साथ गठबंधन करने करके सरकार बनाने की जो हरी झंडी दी है, इसमें काफी लेट हो चुकी है सोनिया गांधी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी चल रही है और किस तरह का मंथन हो रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में संजय राउत अपने बयानों में स्पष्ट कहते आए हैं कि हम किसी तरह का मुख्यमंत्री की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री पद के साथ पद के लिए किसी तरह का समझौता वो एनसीपी और कांग्रेस से नहीं करेंगे। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी तरह का समझौता है वो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एनसीपी के नेताओं में सुगबुगाहट ये चली है कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल तक एनसीपी का मुख्यमंत्री है वो बने। शिवसेना एनसीपी के नेता चाहते हैं कि प्रथम 2.5 साल तक एनसीपी का सीएम रहे और आगे के 2.5 साल तक शिवसेना का सीएम है वो महाराष्ट्र में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो समझौता होना मुश्किल लग रहा है, किसी तरह से ये मंथन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी हालात में संजय राउत के बयानों के अनुसार किसी भी हालात में जो शिवसेना है वो इस 50-50 फार्मूले पर जो समझौता है वो कांग्रेस और एनसीपी से नहीं करेगी, क्योंकि शिवसेना ने जो हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़कर के मुस्लिमकरण की नीति अपना करके ये सरकार बना रहे हैं। तो इसलिए इतना तो उनका हक बनता है कि वो इस फार्मूले पर यानी 50-50 फार्मूले पर किसी तरह का समझौता है वो कांग्रेस और एनसीपी से ना करे। लेकिन ये सुगबुगाहट चल रही है कि 2.5-2.5 साल मतलब 2.5 साल शिवसेना और 2.5 साल एनसीपी, फर्स्ट में एनसीपी और सेकंड में शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। और इसी पर जो मंत्रिमंडल को लेकर के ये सुगबुगाहट चल रही है कि शिवसेना के 16 मंत्री हों, कांग्रेस के 12 मंत्री हों और एनसीपी के 15 मंत्री हों, यानी 16, 15 और 12 का फार्मूला है वो मंत्रिमंडल के लिए कहीं ना कहीं तय हुआ है और इस तय फार्मूले पर मंथन किया जा रहा है कि क्या इसे लास्ट फाइनल मतलब हरी झंडी है वो इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को दे दी जाए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि ये जो सोनिया गांधी ने हरी झंडी तो दे दी है शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए, लेकिन इसमें काफी देरी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एंट्री है वो इसमें कर ली है। महाराष्ट्र की सत्ता बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जो एंट्री है वो मारी है और नॉर्मल सी बात है कि हम सभी जानते हैं और जो राजनीति के ज्ञाता हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के ज्ञाता हैं, वो भी बता रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी जी अपना कदम है वो राजनीति में बहुत सोच समझ कर उठाते हैं और एनसीपी के नेताओं की राज्यसभा में किसी न किसी तरह से सराहना करना, टाइमिंग को देख करके जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता का पेच फंसा हुआ है उस टाइमिंग के दौरान एनसीपी के नेताओं की सराहना करना, कहीं ना कहीं एनसीपी के नेता शरद पवार को भा गया है। और इसीलिए ये जो दो तीन दिन का ही टाइम निकला है, जब 270 था राज्यसभा का, उस दिन की बात है जिस तरह से एनसीपी के जो सांसद थे उनकी खूब सारी तारीफ है वो मोदी जी ने की थी, और उसके दो तीन बाद ही जस्ट आज एनसीपी के नेता शरद पवार है वो संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए चले आए। और बताया जा रहा है कि 40 मिनट तक ये जो मुलाकात है वो चली है। हालांकि जो एनसीपी की तरफ से बोला गया है, शिवसेना की तरफ से बोला गया है, वो यही बोला गया है कि कांग्रेस ने जो किसानों के मुद्दे को लेकर के ये जो मुलाकात है वो शरद पवार और नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई है। लेकिन ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर बातचीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और बताया जा रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो भी इस मीटिंग में शामिल थी। और ये भी बताया जा रहा है कि लास्ट ये बैठक जो मुलाकात हुई उसके लास्ट के जो टाइम था उस टाइम जो शरद पवार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अकेले में बात करने के लिए उनके कमरे में भी गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है, सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी नेता शरद पवार को केंद्र में 3 मंत्रिमंडल ऑफर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं वो 3 मंत्रिमंडल शरद पवार को ऑफर किए हैं यदि वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बना देते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 3 मंडल दिए, मंत्रिमंडल जो शरद पवार को दे दिया गया है, एक बड़ा ऑफर यहाँ पर माना जा सकता है। और दूसरा ऑफर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार से कहा है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनवा देते हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की सिफारिश है वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद का लालच भी शरद पवार को सौंप दिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि निश्चित तौर पर एनसीपी नेता शरद पवार इस ऑफर को ठुकराने वाले नहीं हैं। यानी 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल दिए जा रहे हैं और राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए नाम की सिफारिश भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति बनना भी निश्चित है एक तरह से। और एनसीपी को शिवसेना से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये एनसीपी भी जानती है, शरद पवार भी जानते हैं कि यदि एनसीपी के साथ गठबंधन होता है तो उन्हें सत्ता में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता में थोड़ा बहुत मंत्रिमंडल का फायदा होगा। लेकिन इस तरह का मंत्रिमंडल का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो सकता है। और दूसरा जो बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अलावा भी केंद्र में एनसीपी को जो 3 मंत्रिमंडल सौंपने का वादा, या जिसे ऑफर बोल सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने ऑफर किया है 3 मंत्रिमंडल सौंपने का, और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार का नाम जो राष्ट्रपति पद के लिए सिफारिश करने के लिए भी दे दिया जाएगा, इस तरह की जो ऑफर देना 2022 के अंदर, जो राष्ट्रपति पद के जो नियुक्ति होगी वो 2022 के अंदर होगी। तो इस तरह से निश्चित तौर पर अब ये संकेत मिल चुके हैं कि शरद पवार इस कंडीशन को कभी भी नहीं ठुकराएंगे, इस ऑफर को कभी भी नहीं ठुकराएंगे, और किसी भी कंडीशन में अब शरद पवार है वो शिवसेना के साथ सरकार नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से ये 27-28 दिन बीत जाने के बाद भी परिणाम के, और शरद पवार जिस तरह से खेलते रहे और शिवसेना के साथ निश्चित तौर पर बैठक बैठक का खेल है वो खेलते रहे, और सोनिया गांधी से मिलने के बाद उनका बयान आना कि हमने किसी तरह की कोई सरकार बनाने पर किसी तरह की बातचीत नहीं की है, और ना ही हमने किसी शिवसेना को किसी तरह का कोई भरोसा दिलाया है कि हम उनकी सरकार बनाएंगे, और ना ही उनके साथ गठबंधन का कोई भरोसा दिलाया है, और ना ही हमारे बीच में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो तय हुआ है। इस तरह से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संकेत मिल चुके हैं कि एनसीपी
भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है। इसके कई कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 मंत्रिमंडल सौंपना, राष्ट्रपति पद के लिए नाम की सिफारिश करना शरद पवार जी की, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जो संबंध हैं आपसी शरद पवार के साथ, वो काफी अच्छे हैं और ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि एनसीपी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में जा सकती है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो ये सूत्रों से मिली जानकारी है, जो राष्ट्रपति पद के लिए नाम आगे करना, सिफारिश करना और ये 3 मंत्रिमंडल सौंपना, इसमें कितनी सच्चाई है। आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें ताकि महाराष्ट्र से मिलने वाली प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।